हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फिलहाल अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, इसके बाद निकलते हैं तीनों भाई। आज हम जा रहे हैं भीमताल पैराग्लाइडिंग करने के लिए। तो खाने में बना है दाल चावल मस्त, तो खाते हैं और फिर रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं। तो जाने से पहले चाय पी लेते हैं ताकि सिर में दर्द ना हो, पहले से बैकअप करके चलते हैं। लोग भी क्या सोचते होंगे कि बैकअप के लिए सिर दर्द की दवाई लेंगे, हम चाय पीते बैकअप के लिए। यही है अपनी दवाई। कौन आया? आजकल साहिल का हेयर स्टाइल देखो, खतरनाक हो गया है। कैसे करते तू ये? हमने तो कभी जिंदगी में हेयर स्टाइल बनाया नहीं, ऐसे ही बाल पड़े रहते हैं अपने। तो आज हम गाड़ी से जा रहे हैं बिकॉज आज हमको करनी है पैराग्लाइडिंग। स्पेशल पैराग्लाइडिंग के लिए ही हम जा रहे हैं। कोविड की वजह से बंद हो गया था बट अब खुल गया है। नहीं मैं चला, रात हो जाएगी ना। रात नहीं होती यार मम्मी, होती है बेटा। देखिए अभी पहुँच जाएंगे हम, जल्दीबाजी मत करना। हाँ, और मोड़ों पर हॉर्न दियो तो हॉर्न नहीं देता है। देता तो यार मम्मी, हॉर्न दियो बार बार ही, और आराम से, जल्दीबाजी मत करना। जल्दी जाना है मत करना, आराम से जा, आराम से आओ। तो अभी गाइस हम तीनों भाई निकल चुके हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। तो काफी एक्साइटेड हूँ मैं तो, मुझे तो काफी टाइम से करनी थी बट कोविड की वजह से बंद पड़ी थी ना। तो अभी रिसेंटली खुले, कल सब्सक्राइबर आए थे हमारे घर पे, तो वो कहते हैं हम पैराग्लाइडिंग करके आए। मैंने कहा कह रहे भीमताल में, बढ़िया है खुल गई तो चलते हैं। हम आज ही निकल गए हम तो। बाकी मम्मी को पता नहीं पैराग्लाइडिंग होता क्या है, मम्मी को पता था, मम्मी जाने देती, मम्मी को डर लगता है इन सब चीज़ों से, एडवेंचर से। बट हमको काफी एक्साइटमेंट होती है, कोई भी एडवेंचर वाली जगह हो ना, तीनों भाई को, पीयूष को सबसे ज्यादा होती है। पीयूष तो बिल्कुल भी नहीं डरता इन चीजों से। फिलहाल अभी हम निर्मल भैया के घर पे जा रहे हैं, उनको लेते हैं साथ में और फिर चलते हैं। बाकी आप भी कमेंट के बताना कोई भी इस तरह की और एडवेंचरस जगह है उत्तराखंड में या फिर आसपास कहीं भी, तो हम चले जाएंगे। एक्सपीरियंस करने में जो मजा आता है ना, डर लगता है, थ्रिल सा होता है, तो बहुत मजा आता है। और कैसे हो? बढ़िया। ऑडियंस को भी तो बताना होता है कि कैसे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लास्ट लोग मैंने बोला कि जिस घर में हम रहते हैं वो निर्मल भैया का है। तो निर्मल भैया के बाद एक फोन आया आज, पता नहीं किसका फोन आया, और धमकी दे रहा कि वो घर सौरभ भैया को बेच दो नहीं तो मारूंगा। तो अभी गाइस हम पहाड़ पे तो पहुंच गए हैं और पूरे 4 बज गए। तो हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटे में आपको पहुंचना भी है वहां तक और पैराग्लाइडिंग करनी भी है। अंधेरा हो जाएगा ना फिर 6 बजे। तो गाइस अभी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम तो बढ़िया हो गया बट कर सकते हैं क्या पैराग्लाइडिंग बारिश में? वो करवाएंगे नहीं करवाएंगे ना। बारिश बढ़ती ही जा रही है, होपफुली ज्यादा तेज ना हो बस, नहीं तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो गाइस मैं अब किस मुंह से बोलूँ आपको कि हम पैराग्लाइडिंग अब नहीं कर पाएंगे बिकॉज मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। देखो बारिश हो रही है हल्की हल्की और फॉग भी हो चुका है, सामने कुछ दिख ही नहीं रहा। और हम पहुंच तो चुके हैं वैसे स्पॉट पे जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। ये देखो ये स्पॉट है, यहाँ पे अभी कोई बैठा ही नहीं है। तो यहाँ से लेके जाते हैं कहीं ऊपर, वहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है और सीधा नीचे वहाँ तक। यार हमेशा ऐसे ही होता है, एक बार में कोई चीज़ सही होती नहीं है हमारे साथ, यूजली ऐसा ही होता है, बहुत बार होता है ऐसा। कई बार तो मैं व्लॉग में दिखाता ही नहीं हूँ, फिर पूरा पड़ जाता है ना, बट अब दिखाना पड़ेगा बिकॉज अब सुबह से कुछ शूट भी नहीं किया हमने। ये देखो पैराग्लाइडिंग के लिए हम ये भी लाए थे कि पैराग्लाइडिंग करते हुए इसको पकड़ेंगे, ऐसे पूरा व्यू आएगा। खतरनाक पोपट हो गया आज। फिलहाल तो वैसे मौसम मस्त हो रहा है। गाड़ी वहाँ पार्क है हमारी, यहाँ कोई है नहीं। तो अब तो बस तभी आना पड़ेगा जब मौसम बिल्कुल ठीक हो, बारिश ना हो, तभी पैराग्लाइडिंग हम कर पाएंगे। लेकिन हम जल्दी से जल्दी करके दिखाएंगे आपको क्या पैराग्लाइडिंग। तो अब हमको पता नहीं हम क्या करेंगे, बस ऐसे ही घूमते हैं पहाड़ पे। मौसम तो अच्छा ही हो रहा है, ठंडा ठंडा एकदम। आ जाओ जल्दी चलो फिर अंधेरा हो जाएगा। सॉरी गाइस मैं आपको पैराग्लाइडिंग नहीं दिखा पाया बट नेक्स्ट टाइम जरूर दिखाऊंगा, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को लगा हो जाएगा। तो अभी हम भीमताल आ गए, गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। पैराग्लाइडिंग हो रही है क्या? अच्छा मौसम की वजह से। तो कल होगी पीयूष, ये वाला ट्राई कर, ये वाला। हाँ ये, हाँ अच्छा लग रहा है। मेरा भी बहुत मन करता है बट मैं नहीं ले सकता बिकॉज मेरा पावर वाला ऑलरेडी है। वैसे मैंने एक बार लिया था, वो भी डालता नहीं मैं, अब मुझे यही सूट करता है। पीयूसी गेमिंग जोन कैफे, यहाँ से व्यू देखो गाइस कितना मस्त है, कितना रिलैक्सिंग। छोड़ो अभी क्या यार, पीयूसी बच्चों वाला है वो, तो बच्चों ही तो खेलना है क्या कोई गेम? तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पीयूष बिना गेम खेले गेम जोन से बाहर आ गया है। तो अभी हमारा प्लान है वहाँ पे जाने का, वहाँ पे एक टापू है उसके अंदर एक्वेरियम है, तो अभी बोर्ड से जाएंगे हम वहाँ पे उस टापू पे। तो अभी ये सर मिले हैं जो कि मेरे सब्सक्राइबर निकले, और इन्हीं का ही है वो, तो कह रहे थे हम आपको घुमा देंगे। चलो वैसे हम आए थे पैराग्लाइडिंग के लिए, लेकिन मौसम खराब है तो पैराग्लाइडिंग कर लिया आपने? मौसम खराब है ना। अच्छा आराम से। पैराग्लाइडिंग का नाम लेके हम बोर्ड में बैठे हैं। ओए हम उड़ रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत सारी बतख भी हैं, सारी काफी प्यारी लग रही है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं एक्वेरियम में। अच्छा कैफे खाने पीने का भी है यहाँ? तो यहीं खा लेंगे फिर तो। अरे हिलाओ मत दे, अरे हिलाओ मत ना। कौन हिला रहा है ये? फाइनली। इतना क्या डरते हो यार? अरे वाह, ये क्या हो गया? ये लोहा करके आई है, किसी सिर में मारा इसके किसी ने। इसके सिर पे कुछ हो रखा है क्या? इससे बड़ा तो इसका ब्रेन है, देख लो इतना बड़ा। मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ। ओ भाई ये क्या है? ये क्या है? मछला भाई। कोई कितनी क्यूट लग रहा है इसका मुंह, ओरियो की तरह है। ओरियो की तरह लग रहा है। ओलू ऊपर की तरह। ये मस्त है भाई। ये क्या है? ये सांप की तरह है। ये देखो गोल्डन फिश, ये देखो इसके सांप के दो दांत, इसकी धारियां देखो भाई। ये है क्या? वो कुछ अलग ही मछली है। पूरी चल देखो दांत, देखो इसके, ये अलग ही है। बहुत ही प्यारी जगह गाइस, देखो पूरे एक्वेरियम है चारों साइड। यहाँ पे कैफे भी है, बैठ के आराम से खा पी भी सकते हैं। यहाँ तो फैमिली को ले आने के लिए ठीक है, मम्मी पापा को ना। बहुत अच्छी जगह, बहुत प्यारी जगह। देखो इधर लेक है, इधर बैठने का खाने पीने का सही एकदम। वहाँ पे पहाड़ है। तो गाइज ये तो वर्थ विजिटिंग प्लेस है। अगर आप भी भीमताल आते हो तो इस टापू पे जरूर आना, मज़ा आएगा। बोट से आते जैसे मैंने आपको दिखाया किस तरह से, हमको लगा पता नहीं कैसे होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है इधर से व्यू भी सब कुछ। वेज बर्गर और फ्रेंच फ्राइज कर देना सबके। हाँ कॉम्बो चार कर देना। पीने म्यूनीज मत डालना, बर्गर म्यूनीज मत डालना, म्यूनीज। तो अभी हम ऊपर आ गए, ऊपर से तो और भी मस्त व्यू है। यहीं बैठते हैं, पानी में लाइटिंग देखो कितनी मस्त लग रही है। अभी और अंधेरा होगा तो और भी मस्त लगेगी। पैराग्लाइडिंग तो नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ आके मूड बिल्कुल ठीक हो गया, बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। क्या मस्त लेक है, पहाड़ है। और अभी हम थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, बर्गर वगैरह ऑर्डर किया, उसके बाद जाएंगे घर पे आराम से। केचप तो आ गया लेकिन बर्गर नहीं आया। आगे ड्रिंक्स भी आ गए, कॉफ़ी भी आ गई है, नाम ले ले। अच्छा बर्गर भी आ गया। तो इसने ऑर्डर किया ब्लूबेरी शेक, मैंने कॉफ़ी और इसने कोक, एंड इन्होंने कुछ नहीं। तो अभी गाइस 7 बजने वाले हैं एंड पूरा अंधेरा हो चुका है, और अब देखो कैसा व्यू आ रहा है। अब फिलहाल हम निकलते हैं। तो आज रात को पहली बार हम बोटिंग करेंगे, घोर अंधेरे में बोटिंग। भाई मम्मी गुस्सा करेगी देखिए, क्योंकि रात को तुम पानी में जा रहे हो। जाना पड़ेगा बाहर, जाने के लिए तो अगर इस टापू से जाना है तो बोट में जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही। कौन सी वाली में बैठना है, इसमें या उसमें? डर नहीं लग रहा तेरे को? बैठ बैठ बैठ, ठंडा लग रहा है, ठंडा। थैंक यू सर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे हमको। वेलकम, आते रहेंगे और फैमिली के साथ भी आएंगे जी। रात को तो गाइस बोट में अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आ रहा है। किनारे पे पहुँच गए, गेमिंग जोन पे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आज यहाँ पे। अब फिलहाल निकलते हैं घर के लिए, अंधेरे में ड्राइव करनी पड़ेगी पहाड़ पे आज। तो अभी गाइस हम निकल पड़े हैं। पीयूषी मज़ा आ रहा है रात को ना? बहुत। रात को गाइस अलग ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल आराम आराम से चला रहा हूँ मैं, देखो 20-25 की स्पीड पे। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 8-12 और हम हजानी तक पहुँच चुके हैं। बट यहाँ पर सैला हमको मतलब क्या कर रहे थे, ललचा रहे थे ये खाने के लिए, मतलब कुल्फी खाने के लिए। तो सर ने हमारा यूटा जितना भगाते हुए हम यहाँ पर आ गए। अब हम खा रहे कुल्फी। अच्छा ये है क्या? हाँ, मस्त है। तो साहिल मस्त जगह पे लेके आया। तो गाइस अभी फाइनली अपनी सोसाइटी में पहुँच चुके हैं, और अभी हम गेट से जैसे एंटर करें यहाँ पर ओरियो, यहाँ पर बड़े पापा ओरियो को घुमा रहे थे। ओलू सादा आ गए हैं। आगे बेटा कैसा रहा? कहाँ घुमा रहे हो? कैसा रहा? मस्त मस्त पैराग्लाइडिंग करके आए हैं ना। पैराग्लाइडिंग में मजा आ गया, वीडियो देखना आप। कूद के पहाड़ों से, हम सीधा पहाड़ों से कूद के पानी में, पानी था नीचे, पानी में कूद के सीधा। मम्मी जी भी आ रखी है रात को घूमने के लिए। खाना खा लिया आपने? तो मम्मी लोगों ने डिनर कर लिया, हम तो करके आ गए थे। बैठ जाओ गाड़ी में, आ जाओ। है अच्छा लग रहा है पैदल, पैदल अच्छा लग रहा है, चलो बढ़िया है, घूमना भी चाहिए। सच बताऊँ पैराग्लाइडिंग मिली नहीं, सच्ची मिली है। फिर हम इतनी मस्त जगह पे गए, वहाँ पे आप भी जा सकते हो, सच्ची। मान ही नहीं सकते बात। अरे नहीं मिली पैराग्लाइडिंग, बारिश में होती नहीं है। बारिश हो रही थी वहाँ, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठंडा, इतना ठंडा मौसम हो रहा था ना, हम कांप गए थे। गाड़ी में भेजा हमने, बोला कहीं बारिश ना आ जाए, बाइक में दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे। बेटा पहाड़ों में तो जाना ही चाहिए, गाड़ी लेके जाओ, कोई दिक्कत हो गाड़ी में बैठ तो जाओगे अंदर तुम लोग। अरे वाह रसगुल्ला। तो अभी टाइम हो गया 11:30, एडिटिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गई है। फिलहाल मैं करूँगा डिनर, दाल चावल। एक्चुअली वहाँ मैंने बर्गर खा लिया था, फिर आके कुछ मन नहीं करा, अब भूख लगी तो अब खा रहा हूँ डिनर। इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे ड्राइंग, और फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ। पैराग्लाइडिंग आज कर नहीं पाए बारिश की वजह से, होपफुली कल या परसों कर लेंगे जब भी मौसम बढ़िया होगा। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। पता है पैराग्लाइडिंग क्या होता है? पता है वो तो नहीं है कहीं जिसमें उड़ते हो, हैं गुब्बारा सा? क्या कौन सा गुब्बारा? वही है। नहीं वो नहीं है, अरे रस्सी में उड़ते हैं फिर फूल जाता है ऊपर, वो है? नहीं वो नहीं है, रस्सी में बांधते हैं, बस रस्सी में बांधते हैं और लटका देते हैं बस। अरे रस्सी को छोड़ देंगे, गिरा देंगे, फिर ये खोलेंगे, वो गुब्बारे में फूलेंगे। पैराग्लाइडिंग वो नहीं होती। अरे जब हम करके आएंगे आपको दिखा दूंगा।